मित्रों नमस्कार। मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो बच्चों के तथा एलएलबी करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, टॉप कैरियर ऑप्शन आफ्टर एलएलबी क्या है इस बारे में तथा एलएलबी कैसे होती है, किन कॉलेज के द्वारा की जाती है, कहां पर की जाती है, सारी जानकारी इस टॉपिक में दूंगा। क्योंकि आजकल जैसा कि हमारे देश में पहले कहा जाता था कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है वह एलएलबी कर लेता है, आज इस मान्यता को समाप्त कर दिया गया है और समाप्त हो गई है ये मान्यता। बल्कि स्थिति यह है कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आने वाले कॉलेजेस में 3 ईयर्स और 5 ईयर्स लीगल कोर्सेस चालू हो गए हैं। एक तो आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर्स कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसा कि पहले होता था बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद 3 ईयर्स एलएलबी कोर्स लोग करते थे, लेकिन आजकल 10 आफ्टर 10+2 अर्थात 12th के बाद सीधा 5 ईयर्स डिग्री लॉ में दी जाती है, जिसमें एक वर्ष बच जाता है और उसे बीए एलएलबी जैसी डिग्री मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। मित्रों इसके लिए हर साल क्लैट एक परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें इंडिया के अंदर आने वाले बहुत सारे एलएसयू टाइप के कॉलेजेस होते हैं, जिनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लैट होता है। इसके लिए बच्चों को अच्छी तैयारी करनी होती है। इसमें एलिमेंट्री नॉलेज सारी पूछी जाती है हर सब्जेक्ट पर, इसमें कुछ न कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और इसके लिए बाजार में लिटरेचर गाइड काफी संस्थाओं के प्रकाशन के उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर तैयारी की जा सकती है। अब मैं ये बतलाऊंगा कि आफ्टर 10+2 बहुत सारे स्टूडेंट 5 ईयर्स कोर्स के इस एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के बाद इन यूनिवर्सिटीज के जैसे टॉप 10 कॉलेजेस हैं, जिनमें बेंगलोर है, हैदराबाद है, पूना है, बॉम्बे है, दिल्ली है, अलीगढ़ है, जयपुर है, देहरादून है, कई बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें बच्चों का चयन मेरिट कट ऑफ के आधार पर, जो बाद में उस परीक्षा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में लड़के मेरिट में आते हैं, उस आधार पर बनाया जाता है। ऑनलाइन इस एग्जाम का फॉर्म भरना होता है। इसकी हर साल रैंकिंग टॉप 10 कॉलेजेस की ऊपर नीचे होती रहती है और एडमिशन लेने के बाद जो भी इनमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज और उनमें फीस है उस हिसाब से एडमिशन हो जाता है। हर सेमेस्टर में इसमें एग्जाम होते हैं तो कोर्ट में चाहे तो आदमी इनके ऑप्शन भी आपको बतलाता हूँ कि कहाँ कहाँ ये एलएलबी करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर्ट में यदि आपको एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया गया, कंडक्ट किया गया एग्जामिनेशन आपको इसमें पास करना होता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट हो जाता है। अब मैं आपको ये बतलाता हूँ कि टॉप कैरियर जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। पहला टॉप कैरियर ऑप्शन में एक तो आप जुडिशरी या जज की परीक्षा दे सकते हैं, जो स्टेट की पीएससी के द्वारा लगभग प्रतिवर्ष वैकेंसीज खाली रहने पर आयोजित की जाती है, जिसमें आप सिविल जज के रूप में तथा क्रिमिनल केसेस में मजिस्ट्रेट के रूप में चयनित होते हैं और ये संस्था हाई कोर्ट के अधीन होती है, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेटर कैरियर आपका इसमें हो सकता है। तो जुडिशरी के लिए आप जो नए बच्चे हैं, जिनके घर में नए बच्चे एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट के जो लॉयर्स होते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 24 और 25 में दोनों तरह के लॉयर बताए गए हैं। एक तो पुलिस आदि के केसेस लड़ने के लिए, जिन्हें कोर्ट साहब या एडीपीओ डीपीओ कहा जाता है, उसके चयन के लिए भी पीएससी के माध्यम से वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं, जिनमें रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बाद एडीपीओ या डीपीओ आदि बनाया जाता है, जिसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले बोलते थे, अभी एडीपीओ कहा जाता है। इनका अलग एक डायरेक्टरेट होता है जिसके तहत पूरे राज्य के लिए हर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एडीपीओ की नियुक्ति होती है। तो ये दूसरा कैरियर ऑप्शन बेस्ट है। इसके बाद सेक्शन 24 है, जिसमें
पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कोर्ट ऑफ सेशन आदि में वकीलों को नियुक्त किया जाता है जो कम से कम 7 वर्ष की स्टैंडिंग आदि एडवोकेट के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। उनका पैनल बनता है और कलेक्टर के यहाँ से उनको गवर्नमेंट लिस्ट मांगा ली जाती है और उसमें उनका चयन कर दिया जाता है। तीसरा है, प्राइवेट कंपनी में भी आप किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में विधिक सलाहकार के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है। लीगल असिस्टेंट या मैनेजर, लीगल मैनेजर आदि बना देते हैं हर कंपनी में, लीगल मैटर्स को ये हैंडल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका एक ऑप्शन है, पॉलिटिक्स में यदि कोई भी व्यक्ति LLB के बाद वाला जाना चाहता है तो उसे कानून या विधि का सर्वोत्तम ज्ञान होता है। जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति को कानून का ज्ञान होना आवश्यक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून की अनभिज्ञता का बहाना लेकर या मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, कोई व्यक्ति कानून से नहीं बच सकता है। इसके बाद इसमें इस प्रकार पॉलिटिक्स में जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है LLB के बाद। इसके बाद कोर्ट में यदि कोई वकालत के रूप में भी अपनी सेपरेट प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छी लीगल नॉलेज होना आवश्यक है। और लीगल नॉलेज के लिए आप प्रतिदिन लीगल जो भी बातें हैं, लीगल नॉलेज है, उसे अपनी को अप टू डेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करना है तो स्टेट की बार काउंसिल का एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसमें उस व्यक्ति को पास होना होता है। वो पास होने के बाद वो बार काउंसिल का उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और एज एन एडवोकेट वो काम कर सकता है। इसमें सबसे पहले नए वकील के रूप में उसको किसी भी सीनियर एडवोकेट के अधीन कार्य करना होता है, उसको फाइलिंग कैसे किसी भी प्लेंट या दावे की होती है ये सीखना होता है, अदालत में कैसे तारीख ली जाती है, केस कैसे लड़े जाते हैं, इस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, ड्राफ्टिंग आदि उसे सिखाई जाती है। वो जितना चाहे, इसकी कोई इनकम की सीमा नहीं है, उतना एडवोकेसी में कमा सकता है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आफ्टर LLB में जो मैंने अभी आपको बातें बताई, इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल सर्विस में CBI और NIA आदि में वैकेंसी निकलती रहती हैं। यदि वो रिक्वायर्ड वो रखता है क्वालिफिकेशन तो इसमें भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के में अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आर्म फोर्सेज की लीगल ब्रांच में हर साल में 2 बार करीब करीब आर्म फोर्सेज में जॉब के लिए जज एंड एडवोकेट जनरल JAG कहलाता है, इसकी वैकेंसी निकलती है। ये लोग आर्म फोर्सेज से संबंधित सभी मैटर्स को डील करते हैं, तो JAG में भी एक अच्छा LLB के बाद ऑप्शन होता है। इसके बाद बैंक आदि में हर बैंक में एक लीगल ऑफिसर की भी नियुक्ति रहती है जो उनके यहाँ के कोई भी कानूनी पचड़े या कानूनी झगड़े जो बैंक से संबंधित है उनको हैंडल करने के लिए बैंक में लीगल ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद लीगल ऑफिसर PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे BPCL है, आपका ऑयल सेक्टर के और भी जो भी वो है, ये BSP है, भिलाई स्टील प्लांट है, NTPC है, इस तरह के इनमें भी लीगल वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आफ्टर LLB आदमी उनके लिए भी अप्लाई करके एक अच्छे स्टेटस का पद प्राप्त कर सकता है। कंपनियों में भी लीगल ऑफिसर के तमाम पद निकलते हैं। यदि व्यक्ति इंटेलिजेंट है और लॉ की उसको अच्छी पकड़ और नॉलेज है तो वो लीगल ऑफिसर कंपनी में भी कोई पद प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में लॉ फर्म्स आदि हैं जिसमें हर फील्ड के एडवोकेट्स, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर स्पेशलाइज्ड रहते हैं, गायनोकोलॉजी का अलग रहता है, चाइल्ड का अलग रहता है, मेडिसिन का अलग रहता है, ऑर्थोपेडिक का अलग रहता है, इसी तरह स्पेशल विंग्स में कॉरपोरेट है, सिविल है, क्रिमिनल है, फैमिली मैटर्स हैं, साइबर आदि से संबंध एक्सपर्ट हैं। इस एक ही लॉ फर्म में अनेकों तरह के एडवोकेट्स बैठते हैं जो डिफरेंट मैटर्स को लीगली डील करते हैं, तो व्यक्ति लॉ फर्म ज्वाइन करके 1-2 साल वहां काम सीख सकता है और अपना इंडिपेंडेंट लॉ फर्म में भी काम कर सकता है या बाहर भी कोई कार्य कर सकता है। इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि हायर स्टडीज के लिए वो आजकल LLB के बाद 2 साल या 1 साल का LLM होता है और ये करने के बाद मास्टर्स डिग्री इन लॉ के बाद वो लॉ के अंदर ही PhD आदि कर लेता है तो किसी भी जगह यूनिवर्सिटी आदि में वो प्रोफेसर का जॉब लॉ का ले सकता है। इसके बाद लीगल रिसर्च में विभिन्न प्रकार के कानून के विषयों में समय समय पर अनुसंधान हो रहे हैं, विशेषता है, तो विश्व में और भारत में डेमोक्रेसी है, प्राइवेट कंपनी भी इस तरह की व्यवस्था रखे है, तो लीगल रिसर्च आदि विषय भी वो व्यक्ति अगर लॉ में उसकी रुचि है और काफी
इम्पोर्टेंट सभी चीज के करंट टच में रहता है तो वो लीगल रिसर्च में जा सकता है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी एडवोकेट आदि की आवश्यकता रहती है। कानूनी जानकारी ऐसी जानकारी है जो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना कानून के अंदर गहराई में जाएगा उतना उसका इम्पोर्टेंस भी रहेगा और उसका जीवन भी बड़े अच्छे ढंग से चलेगा। इसके बाद है जुडिशियल क्लर्कशिप। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधीन कुछ कोर्ट क्लर्क आदि की तो जो पोस्टें निकलती हैं इनमें भी व्यक्ति अप्लाई करके आफ्टर LLB ये हाईकोर्ट के जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ कानून की के अंदर ये कुछ समय नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक एसोसिएट्स होते हैं जो सीनियर एडवोकेट्स के यहाँ उसके यहाँ जूनियरों को रखा जाता है सीखने के लिए। सीनियर एडवोकेट एक एसोसिएशन होता है कई वकीलों का जिसमें लीगल रिसर्च ड्राफ्टिंग हेल्प आदि ये सब बारीकियां सिखाई जाती हैं। तो व्यक्ति चाहे तो एसोसिएशन सीनियर एडवोकेट की भी ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद इंडिपेंडेंट एडवोकेट के रूप में यदि वो हर विषय में पारंगत हो गया है और उसे ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सब कुछ स्वयं अपने बलबूते पर कर सकता हूं तो वो जूनियर्स रख के एक एडवोकेट के रूप में भी अपना काम कर सकता है। एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है वो बड़ा नोबल प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में बच्चों को जाना चाहिए। पहले जो मान्यता थी कि LLB वही आदमी करता है जो जिस पर कोई काम नहीं होता वो साइड से LLB करके बैठ जाता है, तो लोग इसका सामान्यता बड़ा मखोल सा उड़ाते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है, इस स्थिति से एकदम भिन्न परिस्थितियां और स्थिति उत्पन्न हुई है और इस प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन के रूप में देखा जाने लगा है। इसके बाद लीगल जर्नलिज्म। पत्रकार सामान्य जो रहते हैं इनसे हटकर अगर लीगल जर्नलिज्म को जानता है, सेपरेट एक ये फील्ड है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर आदि हैं उसमें एडिटर भी बन सकता है और इसका एक अलग कॉलम लॉ का वो लोग छापते हैं, तो ये जानकारी होना भी आपको जरूरी है। इसके बाद लीगल इंटरप्रेन्योर। टेक्नोलॉजी द्वारा जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी जो सिस्टम है ये जल्दी हो इसके लिए लीगल इंटर्नशिप या इंटरप्रेन्योर होते हैं उसका भी जॉब मिल सकता है। UPSC आदि में भी कोई परीक्षाओं में लॉ का सब्जेक्ट लिया जा सकता है, स्पेशली जैसे कोई सिविल सर्विसेज आदि के जब एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनमें कानून एक ऐसा विषय है जो हर तरह की जानकारी आदमी को होना आवश्यक है। सिक्योरिटीज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया के अधीन शेयर मार्केट आदि से संबंधित रेगुलेटरी जो बॉडी होती है उसमें लीगल मैनेजर ऑफिसर आदि का भी पद रहता है। इस प्रकार जो मान्यता पुरानी थी वो अब समाप्त हो चुकी है और आज इतना स्कोप और इस फील्ड का इतना वो बड़ा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह कानून को जाने और टॉप उसके कैरियर ऑप्शन हो। इसी के लिए ये टॉप कैरियर जो ऑप्शंस थे वो मैंने आपके सामने रखे। मैं आशा करता हूँ मैं समय समय पर विभिन्न विषयों पर आपको इस चैनल के माध्यम से कानूनी जानकारी दे रहा हूँ। मेरा यह वीडियो आपको संभवतः अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में भेजें, लॉ स्टूडेंट्स को भेजें, एडवोकेट्स को भेजें, जजेस को भेजें, जिससे उनके बच्चे तथा सभी का भविष्य इस डेमोक्रेसी में आगे बढ़े तथा देश को भी इसका लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।